रेलवे स्टेशन गोरखपुर में बृहस्पतिवार को कैंट थाने के पुलिस जीआरपी तथा आरपीएफ की टीम ने रेलवे स्टेशन पर सघन तलाशी अभियान चलाया। बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड के साथ निकली इस टीम ने रेलवे स्टेशन परिसर में आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली, साथ ही उनके सामानों को भी सघन तलाशी की गई। स्टेशन परिसर के अलावा प्लेटफार्म पर भी जो लोग सामान लेकर पहुंचे वहां पर भी उनकी तलाशी ली गई और बिना टिकट घूम रहे लोगों से भी सख्ती से पूछताछ की गई। लगभग एक घंटे तक रेलवे स्टेशन के सभी महत्वपूर्ण जगहों पर जाकर इस टीम ने तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान को संचालित करने वाले अधिकारियों का कहना है कि 15 अगस्त को देखते हुए और धारा 370 के हटने के बाद से संवेदनशीलता को देखते हुए इस तलाशी अभियान को चलाया जा रहा है, जिसमें हर रोज शहर के अलग अलग इलाकों में आवश्यक निरीक्षण और तलाशी अभियान चलाया जा रहा। पुलिस हर एक नागरिक को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए इस अभियान को जारी रखे हुए और शहर में आने जाने वाले हर एक संदिग्ध व्यक्ति पर नज़र रखी जा रही है। इनका दावा है कि किसी भी तरह की आपदा की स्थिति से निपटने के लिए गोरखपुर पुलिस की टीम पूरी तरह से तैयार है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सीओ योगेंद्र नारायण ने कहा, आप कहाँ जाओगे? ये अभी 12 तारीख को बकरीद है, 15 अगस्त के उसमें सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है जीआरपी के साथ संयुक्त रूप से। एसएसपी सर के निर्देश पर ये चलाया जा रहा है। चूँकि आने वाले समय में 15 अगस्त के समय और 370 और इन सब संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए ये आवश्यक है कि जो रेल परिसर जो है, जो भी स्टेशन परिसर है, इसका समुचित चेकिंग कराई जाए। तो जीआरपी की टीम भी हमारे साथ है और ये 15 अगस्त तक और आगे भी चलती रहेगी, आकस्मिक रूप से चेकिंग होती रहेगी ताकि जनता सुरक्षित महसूस करे और त्यौहार अच्छे से बीत सके। फिलहाल अभी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, अगर कुछ मिलता है तो आप लोगों को सूचित किया जाए।